एलिगेंट बॉय ट्रू लव। आइए जानते हैं आगे इस स्टोरी में क्या हुआ। दुआ अपने कमरे में रो रही थी। दुआ की माँ दरवाज़ा खटखटाती हैं और परेशान होकर कहती हैं, दुआ दुआ दरवाज़ा खोलो। तो दुआ जल्दी से अपनी आंसू पहुँच कर दरवाज़ा खोलती है। दुआ की माँ कहती हैं, बेटा तुम रो क्यों रही थी, क्या हुआ। तो दुआ कहती है, नहीं माँ, हम ठीक हैं, बस आँखों में कचरा चला गया था, बाहर थोड़ी धूल है ना। दुआ की माँ कहती हैं, बेटा आज तुम ऑफिस से इतना जल्दी क्यों आ गई, क्या हुआ। तो दुआ कहती है, माँ वो हमने थोड़े दिन की छुट्टी ली है, हमारे एग्ज़ाम भी तो नज़दीक आ गए थे ना, तो स्टडी के लिए हमने कुछ दिन की छुट्टी ले ली है। तो दुआ की माँ कहती हैं, बेटा हमें तुमसे कुछ कहना है। दुआ कहती है, जी माँ कहिए ना। दुआ की माँ रागनी जी अपने हाथों में लिए बॉक्स को दुआ को देकर कहती है, दुआ पापा के इलाज के लिए तुमने 30 लाख रुपए लिए थे ना अपने बॉस से, तो इनमें कुछ गहने हैं और कुछ सेविंग्स है जो हमने तुम्हारी शादी के लिए की थी। हाँ 30 लाख तो नहीं है, पर आधी रकम तो होगी शायद, जो कुछ है। और कुछ मैंने तुम्हारी शादी के लिए पैसे इकट्ठा किए थे और कुछ गहने बनवाए थे, पर मैं देख रही थी तुम काफ़ी परेशान रहती हो, तुम कुछ कहती नहीं बेटा, पर हम सब समझते हैं, हमें पता है तुमने मुश्किल समय में हमारा बहुत साथ दिया है, तुमने अपनी बेटी होने का फ़र्ज़ निभाया है। मैंने और तुम्हारे पापा ने फैसला लिया है कि हम इन गहनों और पैसों को मिलाकर जो पैसे तुमने बॉस से लिए हैं वो उन्हें वापस कर दो। हम लौटाना चाहते हैं उन पैसों को। हम तुम्हारे बॉस को बहुत शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमारे बुरे वक्त में पापा की सर्जरी के लिए पैसे दिए। दुआ कहती है, पर माँ, रागनी जी कहती हैं, बेटा ये हमारा फैसला है, हमारा और आपके पापा का। तो दुआ कहती है, जी माँ हम उन्हें पैसे लौटा देंगे। दुआ वो बॉक्स लेकर अपने कमरे में रख देती है। दुआ की माँ दुआ से कहती है, चलो बेटा खाना खा लो और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, ओके, और कोई टेंशन मत लेना, तुमने अपनी बेटी होने का फ़र्ज़ बखूबी निभाया है, अब हम चाहते हैं तुम अपनी लाइफ पर ध्यान दो, अपना फ्यूचर बनाओ। वहीं दानिश सच जानकर बहुत ही रिग्रेट फील कर रहा था, वो बहुत ही पछता रहा था। दानिश गुस्से में डेविडसन को कॉल करता है और कहता है, डेविडसन तुम सब सच जानते थे पर तुमने अपना मुंह नहीं खोला, तुम्हें पता था पहले से ही कि ये सब दुआ ने वो पैसे मजबूरी में लिए थे अपने पापा की जान बचाने के लिए। डेविडसन डर कर कहता है, वो सर बड़ी मैडम ने मना किया था, तो मैं कैसे उनके खिलाफ जा सकता हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। दानिश गुस्से में फ़ोन काट कर कहता है, सॉरी माय फुट, मैंने उसे क्या क्या नहीं कह दिया, कितना कुछ कह दिया है उससे मैंने, उसके कैरेक्टर पर भी उंगली उठा दी, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ, अब मैं क्या करूँ, मुझे इतनी बेचैनी हो रही है। नानी माँ सही कहती हैं, मैं बिना सोचे समझे कुछ भी फैसला ले लेता हूँ, पर मैं दुआ को अपने आप से कभी दूर नहीं जाने दूँगा, फिर चाहे मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। अगली सुबह दुआ का घर, दुआ नाश्ता बना रही थी, वहीं शैलेंद्र जी अखबार पढ़ रहे थे। शैलेंद्र जी की तबीयत
अब पूरी तरीके से ठीक हो चुकी थी। रागिनी जी मंदिर से आती हैं, उनके साथ तीन लोग और आए थे। शैलेंद्र जी खुश होकर कहते हैं, अरे आज तो बड़े बड़े लोग हमारे घर आए हैं। रागिनी जी मंदिर से आ रही थी कि वहीं उन्हें शैलेंद्र जी के जिगरी दोस्त कमल जी, जो एक रेस्टोरेंट के मालिक हैं, उनकी पत्नी ललिता जी, जो रागिनी जी की दोस्त हैं, पहले कमल जी भी दुआ के बगल वाले शैलेंद्र जी के बगल वाले घर में ही रहते थे, पर कुछ रीजंस की वजह से उन्हें वहाँ से शिफ्ट होना पड़ा। दुआ का सारा बचपन उन्हीं के घर में बीता है। दुआ उन सबको जानती है। दुआ किचन से बाहर निकलती है और देखती है तो उसके चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है। दुआ जाकर कमल जी और ललिता जी का आशीर्वाद लेती है तो दोनों उसे गले लगाकर कहते हैं, अरे दुआ बिटिया, तुम पैर क्यों छू रही हो? हमने कितनी बार कहा है, तुम हमारी बेटी हो। दुआ कहती है, कैसे हैं आप दोनों? हमें आपकी बहुत याद आती है। शैलेंद्र जी हंसकर कहते हैं, अरे बेटा, अब तो ये अमीर हो गए हैं, हमें कैसे याद रखेंगे? तो कमल जी हंसकर कहते हैं, अरे हमसे अमीर तो तुम हो, जो इतनी होशियार और प्यारी बेटी है तुम्हारे पास, जो लाखों में नहीं करोड़ों में एक है। इस बात पर सब लोग हंसने लगते हैं। ऐसे ही धीरे धीरे हंसी ठिठोली में दिन बीत जाता है। दुआ अमन के पास आकर कहती है, जो अमन, जो कि ललिता जी और कमल जी का इकलौता बेटा। दुआ अमन के पास आकर कहती है, तुम तो काफ़ी बदल गए हो और काफ़ी हैंडसम भी हो गए हो। अमन, जो ललिता जी और कमल जी का इकलौता बेटा है, अमन बहुत ही सुलझा हुआ लड़का है। उसने अभी MBA कंप्लीट कर लिया है और अपने पापा के रेस्टोरेंट में उनकी मदद करता है, जो बचपन से ही दुआ को पसंद करता है। वो हंसकर कहता है, दुआ तुम भी ना, मैं तो हमेशा से जैसा था वैसा ही हूँ। फिर अमन दुआ के करीब आकर कान में कहता है, पर तुम और भी ज़्यादा खूबसूरत और प्यारी हो गई हो। सब लोग ऐसे ही बातें करते हैं। अमन दुआ को एक कोने में ले जाकर कहता है, दुआ एक फेवर चाहिए था। तो दुआ कहती है, हाँ बोलो ना। तो अमन कहता है, आज मम्मी पापा की शादी की 25वीं सालगिरह है, मैं दोनों को कुछ स्पेशल गिफ्ट देना चाहता हूँ, प्लीज़ मेरे साथ मार्केट चलोगी प्लीज़, क्योंकि मेरी जो पसंद है ना वो ज़्यादा अच्छी नहीं है। तो दुआ कहती है, मैं ज़रूर चलूँगी, पर तुमने कुछ डिसाइड किया है कि किस टाइप का गिफ्ट लेना है? तो अमन फ्लर्ट करने के अंदाज में कहता है, सोच रहा हूँ एक प्यारी सी बहू दे दूँ। तो दुआ उसे आँख दिखाकर कहती है, तुम काफ़ी बदतमीज भी हो गए हो, फ्लर्ट कर रहे हो मेरे साथ। अमन हंसकर कहता है, ओके ओके, कुछ आई एम सॉरी, तुम्हें बुरा लगा हो तो, और मैंने सोचा है कुछ ज्वेलरी देने का। तो दुआ कहती है, ओके मैं रेडी होकर आती हूँ। कुछ देर बाद दोनों एक ज्वेलरी शॉप पहुँचते हैं। दुआ अमन के साथ काफ़ी कंफर्टेबल रहती थी, वो जानती थी अमन भले ही उसके साथ हंसी मजाक करता है, पर वो दिल का बहुत साफ इंसान है और बहुत अच्छा लड़का है। दोनों बचपन से ही साथ रहे थे, बस अभी कुछ 3-4 साल से ही दोनों साथ नहीं थे। दोनों काफ़ी मस्ती कर रहे थे और गिफ्ट लेकर शॉप से बाहर आते हैं। दोनों की नज़र आइसक्रीम वाले पर पड़ती है तो जल्दी से जाकर आइसक्रीम खाते हैं। वहीं कोई था जो दोनों को अपनी जलती हुई नज़रों से देख रहा था। उसके साथ उसके जो हाथ थे वो स्टेयरिंग पर कस गए थे। ये और कोई नहीं, दानिश था, जो दुआ को सॉरी बोलने के लिए उसके घर से निकला था।
रास्ते में उसे अमन और दुआ मिल गए। दोनों को साथ देखकर उसके दिल में एक आग लग गई कि दुआ किसी लड़के के साथ इतनी मस्ती करते हुए मिल रही है। उसका गुस्सा हद से ज़्यादा बढ़ चुका था। ये बात उसे भी समझ नहीं आ रही थी कि ये उसके साथ क्या हो रहा है। तो हेलो एवरीवन, आई होप आपको आज का एपिसोड भी पसंद आया हो। आज का एपिसोड मैंने थोड़ा बड़ा रखा है, बट प्लीज़ गाइज आई एम सॉरी, मैं रेगुलर एपिसोड नहीं दे पा रही हूँ, बट मैं पूरी 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 कोशिश कर रही हूँ अपनी आपको एपिसोड देने की, इस स्टोरी को आगे बढ़ाने की। तो आपको क्या लगता है आगे इस स्टोरी में क्या होगा? जो हमारे दानिश की जलन है वो क्या करवाएगी दानिश से, और जो हमारी दुआ है वो सब कुछ भूल के दानिश को माफ़ करेंगी, और अमन और दुआ का क्या मैटर होगा आगे, वो तो आपको स्टोरी में आगे जाकर ही पता चलेगा। तो बने रहिए इस स्टोरी में आगे जानने के लिए कि क्या होने वाला है आगे इस स्टोरी में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को एंड लाइक कर दीजिए मेरी वीडियो। अगर आपको स्टोरी पसंद आ रही है तो ज़रूर मुझे कमेंट में बताइएगा।